तो आज मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, मेन रोड, बाप रे क्या इधर का लेक्चर चालू है, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, लेक्चर एंड किसिंग एंड ऑल ऑफ मैन। एनीवेज गाइस, तो आज मैं ना अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, मतलब एडिट कर रहा था वीडियोस, और सडनली क्या हुआ, पट 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 आवाज आया। तो मेरे को लगा किसी ने नॉक किया कि क्या, फिर जाके देखा तो धुआं आ रहा था। एंड थैंक गॉड मेरे लैपटॉप में से धुआं नहीं आया, वो अडेप्टर जो है उधर से धुआं आया, तो ऐसी बात है। तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ लैमिंगटन रोड। आया क्यों, एक सिंपल चीज रहती है इंडिकेटर देने का ना, जब भी यू वांट टू गो लेफ्ट राइट कितना टाइम लगता है, ये देखो। हाँ लेकिन बिना वजह मत दिया करो। हाँ भागो, क्या मिलेगा 10 सेकंड दे सिग्नल के लिए। टायर्स आर रियली डिसेप्टिव, मतलब कभी भी धोखा दे सकते हैं मेरे को टायर्स, बिकॉज मैं जब भी अभी ब्रेक मारता हूँ ना, एकदम हार्ड भी नहीं एकदम मीडियम ब्रेक भी मारा ना, तो लाइक माई टायर स्किड्स, ऐसे ऐसे कितने बार हुआ है। एक बार तो मैं इधर वडाला चार रास्ता पे चला रहा था अपनी बाइक, और वडाला चार रास्ता पता है ना कैसे, अच्छा आपको तो पता नहीं होगा मोस्टली तो, लेकिन वडाला चार रास्ता एज अ नेम सजेस्ट, फोर रोड्स है, फोर चार लेन है एक्सप्रेस वे के जैसे, और मैं चला रहा था, लेकिन वो रास्ता है ना वहाँ पे ट्रक्स ज़्यादा आते जाते रहते, तो मैं चला रहा था अपनी बाइक एकदम, और मैंने सोचा अभी चलो ओपन रोड दिख रहा है चला लेता हूँ थोड़ा, और सामने ना एक ट्रक थी और साइड में थोड़ी सी जगह थी, मैंने सोचा चलो चली जाएगी बाइक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने एकदम स्पीड में ली बाइक और सामने, और उधर ना एक आदमी फ़ोन से बात कर रहा था, फ़ोन पे बात करते करते चल रहा था, तो मुझे लगा एकदम कट्टू कट में निकाल लूँगा ट्रक के साइड में से, लेकिन वो आदमी इतना स्लो चल रहा था, मेरे को उसने ना बात करते करते मतलब इतना स्लो चल रहा था कि उसके वजह से मेरा जजमेंट थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, और वो ट्रक वाले ने भी शायद स्पीड बढ़ा दी, तो उसके वजह से मुझे इनफ टाइम नहीं मिला, और वो आदमी को मैं उड़ा देता था इतना मैं स्पीड में था, लेकिन ट्रक वाले ने भी सडनली साले ने कमीने ने स्पीड बढ़ा दी, तो ऐसे हालांकि ऐसे ओवरटेक करने की बात अच्छी नहीं, लेकिन क्या कर सकते, अभी मुंबई में तो ओवरटेकिंग के सिवाय कुछ ऑप्शन है क्या अपने पास। हाँ लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाने का, क्योंकि यहाँ पे रास्ते ख़राब, यहाँ के लाइक ड्राइवर्स ख़राब, टैक्सी वाले तो पूछो मत, तो ये बाइक थोड़ी सी अलग है, थोड़ी अलग है व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग, तो इस वजह से तो मैंने ब्रेक मारा, और ब्रेक मारा तो मेरा पीछे का जो टायर है वो लिटरली राइट में स्किड हुआ, फिर लेफ्ट में स्किड हुआ, और साइड में ट्रक थी, और फॉर्चुनेटली मैं बच गया, फॉर्चुनेटली आई मैं तो अभी तक मैं लाइक शुक्र मानता हूँ कि थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं मुझे, ट्रक का पता है आपको इतने टायर इतने बड़े बड़े रहते हैं, और मैं फिर चैनल बंद हो जाता यार। माय गुडनेस, स्माइल भी दे रहा है यार कमीना, कुछ तोड़ा तो नहीं भाई, थैंक गॉड ऑलरेडी सब कुछ टूट रहा है मेरा, कल मेरा कार का बेल्ट टूट गया, मैं मस्त सोचा संडे को मस्त घूम के आता हूँ, चला रहा था गाड़ी टर्न लिया और खड़खड़ 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 आवाज आया,
अरे बाप रे, ये तो बहुत छोटे हैं यार। ओ शिट, फास्ट क्वालिटी आते हैं अभी। मेरा कार का बेल्ट मिलना तो बहुत मुश्किल है। फोर्ड आइकॉन है एंड इट्स अ वेरी कंसिडरेबली ओल्ड कार, यू कैन से लाइक एटलीस्ट अभी 10 साल पुरानी तो हो चुकी है। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस, अब चेकआउट माय वीडियोस, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कार। बट क्या होता है, अभी किसी चीज़ का लाइफ ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली वो चेंज करनी पड़ती है। दिस इज़ व्हाट आई ड्रेड। अभी ये जो आदमी सामने चला रहा है बाइक, ऐसे नहीं बनना है यार, बिकॉज मोस्टली अगर आप बाइक चला रहे हो ना, आपका शेप ऐसे ही हो जाएगा कुछ दिनों में अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो। मोस्टली द एरिया अराउंड योर वेस्ट, इट बिकम्स ससेप्टेबल टू फैट अक्यूमुलेशन। ये मैंने इंग्लिश में ज़्यादा ही गुझाड़ दी, तो एक्चुअली जो अपना जो कमर रहता है, कमर के वहाँ पर ज़्यादा चर्बी जमा होने के कारण हम वैसे दिखने लगते हैं, तो वैसे नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि एक बार वो चढ़ गया ना, उसको कम करने को माँ बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए मैं इसके लिए सोच रहा था कि बाबा अभी मेरे को ना ये नहीं, मैं साइकिल ले लेता हूँ अभी, बाइक बहुत हुआ। लेकिन फिर सोचा अरे साइकिल लेगा तो मोटो व्लॉगिंग कैसे करूँगा, इसलिए साइकिल का प्लान मैं ड्रॉप किया। अरे लेके पड़ी रहेगी यार, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत कुछ लेता हूँ और फिर उसका यूज़ नहीं कर। अरे माँ ये बस है भाई, तो बहुत कुछ ले लेता हूँ और फिर बाद में उसका यूज़ नहीं करता हूँ तो उसमें मतलब। ओ देखो, मैं आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस एरिया। सडनली इन लोगों ने यार ये यहाँ पे चेंज कर दिया, ये बेलाजियो जो है, माय गॉड पूरा मेकओवर कर दिया यार। यहाँ पे ना एकदम ऐसे टूटा फूटा स्ट्रक्चर था जिससे मैं आइडेंटिफाई करता था कि अब हाँ इधर से जाना है। अभी देखता हूँ तो माय गॉड, मेक ओवर सुपर्ब। ये सारा एरिया एकदम बदलने वाला है यहाँ पे। कहाँ यहाँ पे चॉल्स हुआ करते थे और अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे मेरे पीछे ये है, ये क्या बोलते हैं उसको, शोले की बाइक है। ये मराठा मंदिर, यू नो व्हाट, समय बदल गए यहाँ पे, इतने सारे बिल्डिंग्स आ गए, गाड़ियाँ बदल गई। हाँ लेकिन ये पिक्चर कभी जाएगी नहीं यहाँ से, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मराठा मंदिर में अब तक उसके शोज़ होते हैं। अरे यार कितना कितना काम चालू है यहाँ पे, ये राइट भी काम चालू है, लेफ्ट भी काम चालू है, मुसीबत है यार। ऑल ऑफ दीज लाइक बिग गाइज, दीज बिग गन्स ऑन यूट्यूब, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, दे हैव दीज रियली कूल लैपटॉप्स एंड विच लाइक प्रोसेस दोज वीडियोज इन अ मैटर ऑफ लाइक मिनट्स, एंड द सेम videos if you try and process it on my laptop then it will take you approximately like a day. So processor makes a hell of a difference, and obviously also the software nowadays for making videos, because you need something very quick, you need something very fast. Just pray for me that I get a good laptop. Oh my god, abhi idhar se jaane ko nahi hoega mere ko, iska mirror aa raha hai beech mein. Chalu hone chahiye लेकिन हाँ है, दुकान तो चालू है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप, लैमिंगटन रोड। ओके अभी यहाँ पे मैं लगाऊंगा बाइक तो उठाने के 100% चांसेस है, लेकिन चलेगा मुझे। उठा लो भाई उठा लो। चलो अभी मैं बंद कर देता हूँ, गो इनसाइड द शॉप, बाय। पाया चार्जर, ये है हेडसेट का बॉक्स। यहाँ पे मॉडल नंबर है JB985BT। यू कैन आंसर योर कॉल्स, हाई क्वालिटी साउंड, वायरलेस एंड कंफर्टेबल टू वेयर। और यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है ये। लेट्स चेक आउट द बैक ऑफ द बॉक्स।
बैक ऑफ द बॉक्स में यू कैन गेट दीज कलर्स ओवर हियर. क्वालिटी अच्छा है हेडफोन्स का. और ये हैं यहाँ पे वॉल्यूम की और आंसरिंग की. बाय द वे इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक आप ये जो वॉल्यूम की है उसको शफल करने को भी यूज़ कर सकते हो. ओके तो हम अभी विल ओपन द बॉक्स. सो बॉक्स में ये ऐसे कुछ दिखता है. ऑलराइट और इसको हम ऑन कर देते हैं. सेंटर में दबाने का एंड इट टर्न्स ऑन. दैट मींस दिस इज़ ऑन. When you switch it on, you get a notification, an audio notification, and I'll show it to you. One second. I have to place this close to the. I'm switching it on. So you get an audio notification like that, connected, power off, power on, वो सब. So that is quite handy. क्योंकि कभी कभी ना पता नहीं चलता है कि हेडफोन चालू है कि नहीं है, कि बैटरी कितना है. एंड इसका बैटरी देखा जाए तो लाइक मुझे एक घंटा लगता है फुल चार्ज करने को. एक एक वन आवर 15 मिनट्स पकड़ो. एकदम ही हैवी यूज़ रहेगा तो 3 आवर्स तक आपको चल जाएगा ये. नहीं तो आई थिंक 3.5 आवर्स तक 4 आवर्स तक यू कैन यूज़ दिस. एज़ फार एज ऑडियो ऑडियो क्वालिटी इज़ कंसर्न, लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग एबिलिटी, तो वो तो हम देख लेंगे अपने वीडियो में, विच आई एम गोइंग टू लाइक प्रोसेस राइट नाउ. सो लेट्स गेट टू इट. और इसका ये एक फीचर है, ये देखो. सो दिस इज़ लाइक यू कैन पुट इट अराउंड योर रिस्ट. तो एक क्वाइट हैंडी है सो दैट यू डोंट मिसप्लेस योर हेडफोन्स. तो ये देखो, सो लाइक यू डोंट मिसप्लेस इट, यू डोंट हैव टू टाई अ नॉट और एनीथिंग. सो दिस इज़ क्वाइट हैंडी. ऑल राइट. सो गाइज, I tried the headphone on for listening to music and I was quite impressed actually. क्योंकि 400 rupees का मैंने headset खरीदा and mind you it's a wireless Bluetooth headset. और 400 रुपये में इतना अच्छे quality का wireless Bluetooth headset मिलना बहुत मुश्किल है. और you know like when you go online and search for wireless Bluetooth headsets, आपको बहुत सारे options मिलेंगे. लेकिन वो सब options I think mostly दे आर अबव 700-800 रुपीज़ या और वो 700-800 रुपीज़ के वायरलेस हेडसेट्स भी इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं. लेकिन ये जो मैंने ख़रीदा है 400 का काफ़ी अच्छा है. और इसमें बेस है, ट्रेबल भी अच्छा खासा है. और इट्स अ गुड ओवरऑल, इट्स अ गुड पैकेज. तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए. इसका मेन फ़ायदा ये है कि मुझे वो वायर्स का दिक्कत नहीं होगा. यू नो अदरवाइज व्हाट यूज़ टू हैपन इज़ आई यूज़ टू कीप माय फ़ोन इन द पॉकेट एंड दिस वायर्स यूज़ टू कीप डैंगलिंग अराउंड हियर एंड देयर. तो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता था. अभी कैसा है, ये बहुत अच्छा हो गया. आई इवन आंसर्ड अ फ्यू कॉल्स यूजिंग दिस हेडसेट एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. एज द ऑपोजिट पर्सन ऑल्सो सब क्लियर सुनाई दे रहा है, क्या बहुत अच्छा है. तो दिस वॉज माई रिव्यू. We'll be right back.